हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? मेरे हिसाब से तो आप सब ठीक ही होंगे। हेलो इंडिया, हेलो गुजरात, हेलो वडोदरा, हेलो वर्ल्ड। तो आज मैं आ गया हूँ अपनी ऊंची वॉइस के साथ अपने टेरिस पे। तो गाइस, मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 7 शूट के लिए का, और मैं आज से टेरिस पे शूट करूँगा। एज यू नो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। नेचर देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम है और हवा भी अच्छी अच्छी चल रही है। गाइस, बहुत मज़ा आने वाली है आज के वीडियो में, क्योंकि लिए मैं भी इतना अच्छे से बोलने वाला हूँ। नेचर ही इतना अच्छा है तो फिर इतना अच्छा है। देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत वाओ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहले हम कैमरा को थोड़ा सेट कर देते हैं। ओके, अब ठीक लग रहा है। तो पार्ट 7 का नाम है शेक फाइंड्स अ जॉब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हैविंग सफर्ड मैनी लॉसेस एट द हैंड ऑफ हर एम्बेसल सन, शेक किलीज मदर डिसाइडेड टू कीप हिम अवे फ्रॉम हर वर्क। फिर आपको जैसे पता है, शेक चिली बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था, मतलब आप समझे। तो उसकी मम्मी उससे बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने सोचा कि उसको कुछ वर्क दिलाऊं शेक चिली को। उससे तो लायक था ही नहीं, फिर भी दिलाएगी उसको, क्योंकि उसको फूडलेस डेज नहीं देखने थे। मतलब कि फूडलेस यानी कि खाना खाए बिना रहने के लिए, मतलब वो कुछ दिनों तक, एक हफ्ते में मतलब एटलीस्ट 5 डेज तक या 4 डेज तक, 4 डेज तक एटलीस्ट, 3 to 4 डेज तक उसको बहुत कम खाना मिल रहा था उन दोनों को। इसीलिए मतलब आपको जैसे पता है, इंसान खाने के बिना तो रह सकता है पर पानी के बिना नहीं। तो ड्रिंक वाटर, एज समर चल रही है, ऐसे तो कोल्ड का मौसम है पर फिर भी समर चल रही है। चलो कंटिन्यू द स्टोरी। तो शी थॉट ऑफ गेटिंग हिम अ जॉब, मतलब वो सोचती है कि इसको कुछ जॉब दिलाती हूँ। ठीक है, फिर सो शी थॉट ऑफ गेटिंग हिम अ जॉब। शी वॉज वेरी होपफुल दैट अ जॉब वुड श्योरली मेक हिम सेंसिबल, मतलब उसको बुद्धिमान बना, बुद्धिमान यानी थोड़ा बुद्धि देगी, सद्बुद्धि देगी। फिर उसके बाद वो सोचती है कि अगर मैं उसको जॉब दिलाऊंगी तो थोड़ा उसको अक्कल आएगी, कुछ सीखेगा वो। शी टॉक टू सम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हर्स एंड फाउंड हिम अ जॉब। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गार्डनर एट अ रिच मैनस हाउस। वो एक रिच मैन के वहाँ पे गार्डनर का काम करना शुरू करता है। उसके बाद शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट अ चांस टू हेल्प हिज मदर, सो ही वर्कड हार्ड। उसने सोचा कि मेरे को चांस मिल रहा है तो मैं क्यों ना हार्ड वर्क करूँ अपनी मम्मी के लिए और खुद के लिए। अ फ्यू डेज पास, वन डे द कोचमैन ऑफ द हाउस वॉज ऑन लीव एंड द मास्टर एंड मिस्ट्रेस हैड टू गो टू द मार्केट फॉर सम अर्जेंट वर्क। थोड़े दिन गुजर गए, वो अच्छे से हार्ड वर्क किया। उसके बाद एक दिन कोचमैन, मतलब घोड़ा गाड़ी पे, रिच मतलब उस टाइम पे रिच लोग के पास घोड़ा गाड़ी होती है, मतलब जैसे अभी रिच लोगों के पास जैसे बुगाटी और वो सब ऊंची ऊंची महंगी महंगी कार्स होती है, वैसे ही इसके जो रिच होते थे पुराने टाइम पे, उनके पास कोचमैन होता था, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चला के उनको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देता था। तो एक दिन कोचमैन छुट्टी पे था, मतलब उनका वो घोड़ा गाड़ी वाला, वो रिच मैन के घर वाला, तो रिच मैन के घर पे जो कोचमैन था वो छुट्टी पे था और उन दोनों को मार्केट जाना था। तो फिर वो शेक चिली, मास्टर ऑफ द हाउस आर शेक चिली इफ ही कुड ड्राइव रोंगा फॉर देम। तो फिर शेक चिली को पूछता है वो मास्टर कि तुम चलोगे क्या। तो शेक चिली रेडीली अग्रीड एंड रोड द मास्टर एंड मिस्टर्स टू द मार्केट। ऑन देयर वे टू द मार्केट द मास्टर इंस्ट्रक्टेड शेक चिली टू स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू। बोला कि जब बोला हो तभी बोलना, बीच में मत बड़बड़ करना। उसके बाद शेक चिली मेड अ मेंटल नोट ऑफ इट एंड रोड ऑन। अब आगे थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, अब थोड़ा आगे इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। मेंटल नोट वाली एक स्टोरी, एक पार्ट था मैंने बनाया था, मेंटल नोट जो नोट कर देता है वो मेंटल। तो फिर उसके बाद एज अ मिस्ट्रेस गॉट ऑफ द टोंगा टू एंटर अ शॉप हर पर्स ड्रॉप डाउन। शी एक्चुअली नोटिस द फॉलन पर्स बट एज इंस्ट्रक्टेड ही डिड नॉट से एनीथिंग। देखा, मैंने बोला था ना आप इमेजिन कर लो पहले से ही। The master and mistress finished shopping and left for their house. On reaching home, the mistress realized that the purse was missing. Purse तो थी नहीं,
तो फिर वो सोच रहे थे कि अब क्या करें हम। द कपल सर्च ऑल अराउंड द हाउस बट दे कुड नॉट फाइंड द पर्ल। दे डिसाइडेड टू आस्क शेख चिली। अब वो शेख चिली को पूछते हैं। शेख चिली टोल्ड देम दैट ही हैड सीन द पर्ल्स फॉलिंग व्हेन द मिस्ट्रेस हैड गॉट ऑफ द टोंगा। द मास्टर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग क्वाइट ऑल हिज वाइल एंड नॉट पिकिंग अप द पर्ल्स। उसने मास्टर ने उसको डांटा, बोला कि ये क्या किया तुमने, कुछ बोला ही नहीं हमको। आई एम नॉट अ फॉल्ट मास्टर, यू टोल्ड मी टू स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू। आई वॉज ओनली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, डिपेंडेड शेख चिली। प्लस है मैंने आपको, ये ऐसा ही करता है हमेशा। तो उसने बोला कि आपने ही तो बोला था कि बोलना ही नहीं है मुझे, जब पूछा जाए तभी बोलना। द कपल डिसमिस हिम फॉर फ्रॉम देयर हाउस एंड पुअर शेख चिली हैड टू फेस हिज मदर एंगर फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। आफ्टर ऑल ही हैड ओनली बीन एन ओबीडियंट सर्वेंट। देखा गाइस, एक और था ये शेख चिली का पार्ट। इतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं था पहले के पार्ट में से, पर इसमें बहुत मज़ा आया। गाइज दैट फॉर ऑल माई टूडेज वीडियो। ओके टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।